हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत सुंदर सी स्लीपर लाई हूँ। इसे वुलन वैली भी बोल सकते हैं आप। देखिए, ये गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए और लेडीज़ के लिए बहुत सुंदर है, और इसे आप जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं। इसमें आप पैर की लंबाई और चौड़ाई का आप माप ले करके और उसके हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके सामने जो ये वैली है, ये 5 और 6 नंबर फुट के लिए आसानी से आ जाती है। तो इसकी आप लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो ये मैंने 7.5 इंच चौड़ा और 9 इंच ये इसकी लंबाई ले रखी है। इसमें हमने ये 54 स्टिचेज यानी कि 54 फंदे ले रखे हैं। पहले बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद ये बीच का पोर्शन और फिर बॉर्डर बनाएंगे। ये हम 1.5 इंच का बॉर्डर बुनते हैं। का पोर्शन देखेंगे तो ये 5 इंच का है, और इसमें हमारे जो है, आप देखेंगे जो ये धारियां हैं, उल्टी उल्टी धारियां, ये 28 धारियां हैं। तो हम जो हैं इसे बुनते हैं। ये मैंने सिलाई में 54 यानी कि 54 फंदे डाले हुए हैं, और फंदे भी सिंपल तरीके से डले हुए हैं, देखिए। और इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर बनाते हैं, 2 सीधा फंदा और 2 उल्टे फंदे का। और 2 उल्टे फंदे बुनते हैं, 2 सीधे फंदे बुनते हैं, और इसी तरह से हम एक छोटा सा बॉर्डर बनाकर आपको दिखाते हैं। ये 12 लाइन का बॉर्डर हम बुन चुके हैं, देखिए इतना बॉर्डर हमें बुनना है। और इसके बाद हम बैक साइड से दूसरा वाला तागा यूज़ करते हैं और सारी रो को हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। और यहाँ पर से देखिए जो ये दूसरा वाला तागा है, इसको भी हम मोड़ते मोड़ते ले जाते हैं। और पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनते हैं। और ये सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हमने देखिए इस तरह की धारियां बुननी है। इसमें आगे और पीछे हमने उल्टा ही बुनना है। फ्रंट साइड भी हम उल्टा ही बुनेंगे और बैक साइड भी उल्टा ही बुनेंगे। और इस तरह की देखिए ये उल्टी धारियां आ रही हैं। देखिए इस तरह की हमने 28 धारियां निकाल ली हैं, यानी कि हमें कुल 56 लाइनें बुननी हैं, जिससे कि 28 धारियां हमारी कंप्लीट होती हैं। और हम 28 धारियां निकाल कर आपको बताते हैं। सेकंड स्टेप का जो 28 धारियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आप देखिए यहाँ पर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27 और 28 28 धारियाँ उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बैक साइड से हम वाइट कलर का तागा यहाँ पर जोड़ देते हैं, इस तरह से इसको बैक साइड से जोड़ करके, और एक पूरी रो हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। देखिए पूरी रो इस तरह से उल्टा बुनते हैं, और साथ में हम इस तागे को भी इस तरह से लपेटते हुए चलेंगे। इस तरह से तागा अंदर की ओर हो जाता है, और इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनते हैं और कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जुराब का 3rd स्टेप है। 3rd स्टेप में हम इतना ही बॉर्डर बुनेंगे, और आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ शुरुआत 2 सीधे फंदों से हुई है। देखिए 2 सीधे फंदे और 2 उल्टे फंदे, तो हम यहाँ से भी पहले 2 सीधे फंदे बुनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ये 2 सीधे फंदे बुनते हैं और 2 उल्टे फंदे बुनते हैं,
इस तरह से जितना ये बॉर्डर बुना हुआ है इतना ही बॉर्डर हम बुन करके तैयार करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। हमारा जुराब या वैली बुन करके तैयार हो गई है और दोनों साइड से इसके बॉर्डर बन चुके हैं और बीच में इसका बेस बन चुका है। देखिए अब हम यहाँ पर से इसके फंदों को क्लोज करते हैं और यहाँ से हम सारे फंदों को घटाते हैं। ये फंदों को हम सीधा बुनते हैं इस तरह से और ढीले हाथ से इस तरह से दो का एक करते हैं, एक स्टिच को बुनते हैं और दूसरे को उसके ऊपर से निकाल देते हैं। थोड़ा ढीले हाथ से रखते हैं नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है ये और बहुत सारे उसमें आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से फंदों को क्लोज करना। इस तरह से घटाते घटाते हम पूरा कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सॉक्स पूरा बुन चुका है। अब इसको हम सिलते हैं। इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं और सबसे पहले हम एड़ी वाला पोर्शन सियेंगे। तो इसे इतना वाला पोर्शन लेते हैं और इसको यहाँ पर से और यहाँ पर तक जो सुई से हम इस तरह से लेते हैं इतने तक पकड़ हाथ से पकड़ कर रखते हैं। इसके अंदर के जो ये वाले हैं अंदर की साइड के इनको सीते हैं इस तरह से। इसके बाद जो है इस वाले धागे को काट देते हैं और अंदर की साइड से देखिए अंदर की साइड से इनको इस तरह से लेते हैं। और उसके बाद इसको पीछे की साइड से पीछे की साइड को लेते हैं थोड़ा। इसके बाद देखिए जो ये ऊपर वाला साइड है इसको हम इस तरह से पहले यहाँ पर लॉक करते हैं, इसे अच्छे से सी देते हैं। ये एड़ी वाला साइड कंप्लीट हो गया है। इसे अब सीधा करते हैं। एड़ी की साइड से हम लगभग देखिए 5 इंच लेते हैं पर हम यहाँ से हम सिलाई शुरू करते हैं। और यहाँ से आप ज़रा ध्यान से देखिए हम इस तरह से इसको जमाते हैं, अच्छे तरीके से लगाते हैं और इसकी सिलाई देखिए हमने इस तरह से करनी है। देखिए इसके इसे हम ढीले हाथों से लेते हैं। और इसको हम इसको इस तरह से खींच देते हैं।
इसके बाद इसको हम उल्टा कर देते हैं। देखिए ये गुलाबी रंग का तागा लेते हैं हम, और फंदों के अंदर की साइड से, फंदों के बीच में से सुई से तागे को पिरोते हैं। देखिए एक एक फंदे को हमने ध्यान से सुई से पिरोना है, और इन सब को एक साथ हम यहाँ पर खींच करके बांध देते हैं। देखिए आप खींच लेते हैं और इसको अच्छे से बांध देते हैं। और ये देखिए वैली तैयार हो गई है। ये डिज़ाइनर सॉक्स आप ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं कि आपने कैसे बनाए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।